ऐसी किक लगी है कि उतरने का नाम नहीं ले रही है। वो कोई मामूली लोग नहीं है, बहुत ही शाने लोग हैं। सर, आपसे एक बात कहनी थी। क्या? वही उन दोनों लड़के लड़की के बारे में। बताओ। वो दोनों सच में एक दूसरे को प्यार करते हैं सर। हाँ सर, वो सोनू उस लड़की से सचमुच प्यार करता है सर। क्या है रे ये प्यार व्यार? आजकल कौन किससे सच्चा प्यार करता है? कोई खूबसूरत और मालदार लड़की के पीछे पड़कर ब्लेड से हाथ काटकर खून से लेटर लिखकर चार झूठी झूठी बातें बोलकर जाल में फंसाना प्यार नहीं होता। माल है तो ताल है, सुना है ना? उसी तरह जिसके पास माल होता है उसी के पीछे दुनिया भागती है। अगर लड़की पट जाए तो लड़के की तकदीर चमक जाती है और उसके घर का घर जमाई बनकर करोड़ों की जायदाद का मालिक बन जाता है। एक पैसा भी खर्च किए बिना खूबसूरत लड़की के साथ रोमांस और बिना मेहनत किए फ्री में मिली हुई कार में बैठकर सैर करना, मौज मस्ती के साथ नाम भी ऊंचा होता है। क्यों, तुम्हारे हिसाब से प्यार हाई क्लास सोसाइटी या अमीर घराने की लड़कियों के साथ ही किया जाता है क्या? स्लम में रहने वाली, तकलीफें झेलने वाली गरीब घराने की लड़कियों के साथ नहीं किया जा सकता है क्या? कभी किसी कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के ने किसी गरीब लड़की से या रोड पर कचरा चुनने वाली किसी लंगड़ी से, किसी अंधी से या किसी अनाथ लड़की से प्यार करके शादी की बात सुनी है तुमने? बोल ना। नहीं सुना सर। जरा इधर बैठ। दूसरों की छोड़, अपनी बात बता। अगर तेरी बेटी किसी पॉकेट मार से प्यार करती है तो अपनी बेटी की शादी करवा देगा? किसी फालतू आदमी से प्यार करे तो उससे शादी करवा देगा? चुप क्यों है, बोलना। नहीं करवाऊंगा। तू उसकी हड्डियां तोड़कर उसे जेल में डाल देगा, है ना? अबे मुंह से बोल। हाँ हाँ। महीने में सिर्फ 3,000 कमाने वाला तू जैसा मामूली हवलदार ऐसा नहीं कर सकता तो एक करोड़पति आदमी अपनी बेटी की शादी किसी अरे घरे से कैसे करेगा? चल निकल। प्यार की बात करता है, प्यार की। दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। आप यहाँ से भाग जाइए। दरवाजा खोल, खोल दरवाजा, खोल। दादा जी, आप भाग जाइए, मैं देख लेता हूँ। अबे दरवाजा तोड़ के खोल, खोल। अबे खोलता क्यों नहीं? खोल दरवाजा। दादा जी, आप मेरी बात मानिए, जाइए यहाँ से, जाइए। नहीं, उन्हें मारेंगे या लड़कर मर जाएंगे। कायरों की तरह इस तरह पीठ दिखाकर भागना हमारे वंश की आदत नहीं है। अरे दो सालों का अंदर हट जा तू। दादाजी समझने की कोशिश कीजिए, जाइए यहाँ से, वो बहुत लोग हैं, अंदर आ गए तो हमें मार डालेंगे, जाइए। मारने दो, लेकिन मरने से पहले चार लोगों को मार कर मरेंगे हम। क्यों बे, जिस बेटी को मैंने अपनी पलकों पर बिठाकर पाला उसके साथ तूने सब कुछ किया कहकर सबके सामने मेरी इज्जत उतार दी? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरी बेटी को बदनाम करके तूने उसके जिंदगी में आग लगा दी, हरामखोर। देखो रे, तुम सब लोग देखो, झोपड़पट्टी में रहने वाला कोई भिखारी जब महलों के सपने देखता है तो उसका यही अंजाम होता है। देखो, अच्छी तरह से देखो। आपने क्यों बचाया इन्हें? इन्होंने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दी, इन्हें जल जाने दो, जाओ यहाँ से। ये कैसी बात कर रहे हैं यार, पागल हो गए हैं क्या? हाँ पागल हो गया हूँ। इन दोनों को जिंदा जलाने के बाद ही मुझे चैन आएगा। इन लोगों को यहाँ जिंदा जलाकर आप जिंदा दफन होना चाहते हैं क्या?
अगर आपने इन्हें मार दिया तो जिंदगी भर जेल में सड़ते रहेंगे। मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने मेरी इज्जत सरेआम उछाली है उन्हें मैं राख होते देखना चाहता हूँ। इसने सबके सामने मेरी बेटी को चरित्रहीन कहा, मेरी बेटी के जिस्म पर इसने दांतों के और नाखून के निशाने कहा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। रुक जाइए। अब मेरी बेटी से शादी कौन करेगा बताइए? इन्हें मारने से कोई कर लेगा? इन्हें मारने से आपकी बेटी की शादी हो जाएगी क्या? बोलिए। छोड़ दूंगा तो हो जाएगी, माफ करूंगा तो हो जाएगी, क्या करने से मेरी बेटी की शादी होगी? किसके पैर पकड़ने से मेरी बेटी की शादी होगी? इतना होने के बाद कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? मैं करूंगा। हाँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आपकी बेटी से मैं शादी करूंगा। आपकी मजबूरी का फायदा उठाकर या आप पर तरस खाकर मैंने ये फैसला नहीं लिया है, ये मैं दिल से कह रहा हूँ। हम जानते हैं जी, लेकिन मेरी बेटी के बारे में आप? सब कुछ जानता हूँ, सब जानने के बाद ही मैंने ये फैसला लिया है। इज्जत शरीर से जुड़ी होती है, ऐसा मानने वाला इंसान नहीं हूँ मैं। इज्जत मन से जुड़ती है मेरा ये मानना है। मेरी भी शादी हुई थी मगर मेरी पत्नी चल बसी, इसका मतलब मैं भी तो अपवित्र हो गया ना। जब मुझे में इज्जत नहीं रही तो अपनी पत्नी में ऐसी उम्मीद क्यों करूं? दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार होना चाहिए, एहसास होना चाहिए। शादी से पहले आपकी बेटी कैसी है ये जानने के बजाय शादी के बाद मुझे अपना पति मानकर हंसी खुशी अपना जीवन बिताए, ये ज्यादा जरूरी है। बेटा, मैं जो सुन रहा हूँ वो सच है झूठ, सपना या धोखा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे विश्वास करूँ। स्वयं भगवान मेरे पास आकर मुझे वरदान देने की बात करें और मैं मना करूं, ऐसा हो नहीं सकता। थैंक यू बेटा। एक बार मधु की भी राय जान लेते तो। मुझे भी ये रिश्ता पसंद है, तुम एक बार और सोचकर फैसला करोगे तो? आपकी बेटी से शादी हो जाए मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा, ठीक है? ठीक है बेटा, तुमने इतना कह दिया बहुत है, ये पूरा शहर देखता रह जाएगा, इतने धूमधाम से मैं तुम दोनों की शादी करूंगा। नहीं, पहले ही शादी के टूटने की वजह से मधु और आप लोगों की बदनामी हो चुकी है, मैं नहीं चाहता कि ये सब दोबारा हो, इसलिए अपने ही चार लोगों के बीच सिंपली कोर्ट मैरिज करना चाहूंगा। ये क्या कह रहे हो? सुनिए जी, हम ऐसा ही करेंगे। हाँ भैया, ये ठीक है। ठीक है बेटा, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। कितना टाइम हुआ है दादाजी? 10-20। क्यों? 10 मिनट के बाद मधु की शादी हो जाएगी। पति के जिंदा होते हुए पत्नी की दूसरी शादी आपने कहीं देखी है दादाजी? मेरी पत्नी की हो रही है दादाजी। सोनू, मैं बहुत बदनसीब इंसान हूं दादाजी, पैदा होते मैंने अपने माँ बाप को खो दिया, अब मेरी पत्नी भी मुझसे दूर हो रही है। नहीं दादाजी, मुझसे एक वादा करेंगे दादाजी, कम से कम आप मुझे इस तरह तड़पता हुआ छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, वादा कीजिए दादाजी। हाँ, मैं वादा करता हूँ दादाजी, चाहे मुझे मौत भी क्यों ना ढूंढते हुए आए, मैं उससे भी लड़ जाऊंगा, लेकिन तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, जिंदगी भर तेरे साथ रहूंगा। सुनो, आपका नाम? बलराम, बलवान बलराम, CIO पुलिस। या और तुम्हारा नाम बेटी? तुम्हें से पूछ रहा हूँ। बोलो बेटी। मधुलता। और सरनेम? लिखो राय। यहां साइन करो बेटी। आप भी साइन कीजिए सर। आप गवाह की जगह साइन कीजिए। यहां सर, लड़के की तरफ से कोई साइन कीजिए। ये लो, पुलिस वालों को भी गवाह चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सर। अब एक दूसरे को हार पहनाइए। ये लो बेटी। आज से आप दोनों कानून की नजर में पति पत्नी हैं। थैंक यू सर। चलता हूं सर। थैंक यू सर। ए, इन साहब को घर छोड़ कर आओ। जी भैया। बेटा। अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं सर, अच्छा नहीं लगता। ये तो खुशी से आपकी बेटी को विदा करने का वक्त है और आप मेरे पैरों पर गिरे, ये ठीक नहीं है। नहीं बेटा,
रीति रिवाज के अनुसार तुम्हारे पैर धोकर कन्यादान तो नहीं कर पाया, कम से कम तुम्हारे पैरों को छूकर उस कर्ज से तो मुक्त होने दो। ओके ओके, आप मेरे एहसानों का बदला चुकाना चाहते हैं। हाँ बेटा। तो फिर एक काम कीजिए। बोलो बेटा, मैं जान देने के लिए भी तैयार हूँ, या फिर तुम्हें मेरी जायदाद चाहिए? उसकी कोई जरूरत? फिर जल्दी से आप अपनी दाढ़ी शेव करवाइए। एक्सक्यूज मी सर, इफ यू डोंट माइंड, वो किस लिए सर? उनकी दाढ़ी से आपको क्या प्रॉब्लम है? इनकी दाढ़ी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर कल को अगर हमारे बच्चे गहरी नींद में सोए होंगे और ये नाना जी आकर उनकी पप्पी लेंगे, तो इनकी दाढ़ी चुभने से वो जाग जाएंगे। अरे सुनो, अरे बेटा देखिए, मैं अपना दिल कब का सोनू को दे चुकी हूँ। उसके सिवा किसी के बारे में सोच नहीं सकती। वो मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है। अगर मैं मरूंगी तो उसी की सुहागन कहला कर मरूंगी। और मुझ पर इल्जाम लगाने का हक तुम्हें किसने दिया है? हाँ, मैं शादीशुदा हूँ ये जानते हुए भी हम दोनों को अलग करके मेरे जायदाद को हथियाने के खातिर मेरे पिताजी के सामने महान इंसान बनने का नाटक किया और मुझसे शादी कर ली। धोखेबाज हो तुम, ये तुमने अच्छा नहीं किया। सुनो, तुम चाहे तो मेरी जिंदगी के साथ कितना भी खेल खेलो, उसे मैं अपना नसीब समझ कर हंसते हुए अपना लूंगी। तुमने ये अच्छा नहीं किया जो मेरे बारे में सब कुछ जानने के बाद तुमने मुझसे शादी की, मुझे मेरे प्यार से अलग कर दिया। लो लो, तुम्हें यही सब चाहिए ना? लो लो। ए, क्यों री? मैं एक कमीना और नीच इंसान हूँ ये जानते हुए तुमने मुझसे शादी क्यों की? ऐसे क्या देख रही हो? गला फाड़ कर कह रही थी ना, वो ही मेरा प्यार है, वो ही मेरी जिंदगी है, वो ही मेरा सब कुछ है, इसलिए तुम्हें उसी के हवाले कर दिया। मुझे ब्रोकर कहा ना तुमने और उसके दादाजी ने, इसीलिए ब्रोकर बनकर तुम दोनों को मिला दिया। मुझे मेरी ब्रोकरेज मिल जाए तो मैं अपना रास्ता नाप लूंगा। ब्रोकर का काम होता है सौदा करना, ना कि किसी का घर उजाड़ना। अब तो समझ गए दादाजी? अरे पगली, मैंने तुमसे शादी तुम्हारा पति बनकर सेटल होने के लिए नहीं की थी, और ना ही तुम्हारे पिताजी की प्रॉपर्टी के लिए, तुम दोनों को मिलाने के लिए की। मैं तुम दोनों के प्यार के बारे में जानता हूँ, लेकिन जहाँ प्यार में स्टेटस देखा जाता है ना, वहाँ तुम्हारे पिताजी जैसे लोगों के बीच में आने से प्यार नाम की चीज का पनपना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तुम लोगों को अलग करने का नाटक किया। मैंने सोचा दो दिन उसकी याद में रोओगे और तीसरे दिन सब भूल जाओगे। दो चार पैक मार के सुबह तक नशा भी उतर जाएगा, या कुछ करने के बजाय देवदास की तरह पी पी कर जान दे दोगे। सोचा था कम से कम मधु तुम्हें भुलाकर किसी और से शादी कर लेगी, लेकिन दोनों एक जैसे निकले। अपने प्यार को जीत दिलाने के लिए, अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी तैयार है, काफी देर से समझा। फिर मैंने फैसला किया, मधु के पिताजी से बचाकर दोनों को जरूर मिलवाऊंगा, इसीलिए नाटक किया। जैसा तुम समझती हो वैसा मैं कोई तुम्हारे प्यार को मारकर हवस मिटाने वाला दरिंदा नहीं हूं। तुम कह रही थी ना कि मैं एक नीच इंसान हूं, लेकिन इस नीच इंसान के सीने में भी एक दिल है। ये बेरहम इंसान भी लोगों का दुख दर्द समझता है। माना कि तुम लोगों का प्यार बहुत महान है, लेकिन मैंने भी किसी से प्यार किया था। नहीं, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे।